Okay, so good evening. On behalf of Dr. Odisha and the entire SKM team, I welcome you to today's session. आज का session है Grey Spirituality. बहुत ही simple सा topic है, 2 minute का explanation and then we will go into the meditation. तो कोई guesses अगर आपके हों Grey Spirituality को लेके, तो please chat box में, comment box में लिख के बताइए. Okay, so let us divide spirituality into 2 parts. Deepa ji saying wisdom which comes through aging. Okay, very nice. ये बहुत अच्छा explanation है. Panchkula से message है कि black and white spirituality. Okay, और संध्या आंटी कह रहे हैं अंध श्रद्धा. ओके, वेरी नाइस, ये भी सही है. सो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं स्पिरिचुअलिटी को, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक. कलर स्पिरिचुअलिटी एंड ग्रे स्पिरिचुअलिटी. ठीक है, तो कलर स्पिरिचुअलिटी होती है कंडीशनल प्लस अनकंडीशनल. मतलब कल हमें सोनाली ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कंडीशनल वर्सेस अनकंडीशनल. तो कभी कभी तो हम कंडीशनल रहते हैं, कभी कभी हम अनकंडीशनल रहते हैं. जैसे जैसे हमारी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जाती है, अनकंडीशनल की मात्रा बढ़ती जाती है और कंडीशनल की मात्रा कम होती जाती है. तो कंडीशनल स्पिरिचुअलिटी वो होती है जिसकी वजह से ज्यादातर हम लोग ने स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट की थी. यानी कि ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ कि हम सब जो जुड़े किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, वो किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी इशू की वजह से, किसी चीज़ का हमको रिजल्ट चाहिए था, हमें कुछ मैनिफेस्ट करना था, हमारी लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस थे जिन्हें हमें क्लियर करना था, इसकी वजह से हमने स्पिरिचुअल प्रोसेस, स्पिरिचुअल साधना, सत्संग ये स्टार्ट किया. हम में से कुछ लोगों ने डायरेक्टली एसकेएम के साथ स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में पहले अलग अलग चीज़ें सीखी हैं और आज भी सीख रहे हैं. तो जब हम एक पर्पस को लेकर के चलते हैं, हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर के चलते हैं, हम एक उद्देश्य को लेकर के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पर हम कुछ अचीव करने के लिए चले हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन के लिए होती है. हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अलग अलग टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, और कभी कभी हमने खुद मैनिफेस्टेशन की मेडिटेशंस भी की हैं. पर किसी कंडीशन के लिए, किसी कुछ पाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को माइंड में रखते हुए, किसी लक्ष्य को माइंड में रखते हुए जब हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो कंडीशनल है. कंडीशनल इसलिए है क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज है जिसको हमें प्राप्त करना है, जिसको हमें अचीव करना है, तो उस कंडीशन की वजह से, उस सिचुएशन को पाने की वजह से, उस जगह तक पहुंचने के लिए हम ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं. अब धीरे धीरे करके, जैसे जो लोग हमारे साथ जूम पे जुड़े हुए हैं कोरोना टाइम से लेकर अब तक, उनके लिए ये चीज कहना बिल्कुल सही होगा, या वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो दूसरी तरह की स्पिरिचुअलिटी है, जैसे कि ग्रे स्पिरिचुअलिटी. तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, जो लोग रिपीटेडली सेशंस अटेंड करते हैं, एक एक दिन में दो दो तीन तीन सेशंस भी अटेंड करते हैं, रेगुलरली अपने अपने एरियाज में हीलिंग कराते हैं या खुद करते हैं, और बहुत फ्रीक्वेंटली जब भी उन्हें मौका मिलता है रिट्रीट करते हैं, तो ये सब ग्रे स्पिरिचुअलिटी के एग्जाम्पल्स हैं. इस सत्र में उपस्थित सभी लोग मेरे ख्याल से 100% ग्रे स्पिरिचुअलिटी के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि जैसे हमने स्टार्ट किया एक पर्टिकुलर लक्ष्य के साथ, धीरे 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 हमें मैच्योरिटी आती गई, और जैसे जैसे हम ट्रांसेंडेंटल की तरफ बढ़ने लगते हैं, मच्योर सोल से ट्रांसेंडेंटल सोल तक पहुंचने लगते हैं,
वैसे वैसे कलर स्पिरिचुअलिटी कम होती जाती है और ग्रे स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जाती है। तो यानी कि कलर स्पिरिचुअलिटी में हम एनर्जी वर्क भी करते हैं और कॉन्शियसनेस को भी बढ़ाते रहते हैं, दोनों चीजें करते हैं। जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो कुछ मैनिफेस्ट भी करते हैं और बाकी अपनी अवेयरनेस, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। कुछ हमारे साथी ऐसे थे जिन्होंने हमारे साथ स्टार्ट किया लेकिन उन्होंने बीच में अपनी कंडीशन या तो मिलने की वजह से छोड़ दिया या रिजल्ट ना मिलने की वजह से छोड़ दिया। क्योंकि कुछ लोग ने इसीलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की थी कि उन्हें एक रिजल्ट चाहिए था, जब उनको वो रिजल्ट मिल गया तो उन्होंने छोड़ दिया, और कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पाया, उन्होंने इस वजह से छोड़ दिया। तो आप और हम बच गए जो कि अब बिना किसी वजह से, बिना किसी ऑब्जेक्ट के, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी लक्ष्य के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपने आप में कंप्लीटली अनकंडीशनल प्रैक्टिस है। अब कोई हमसे पूछता है कि आप रिट्रीट क्यों जा रहे हो, अभी घर वाले पूछते हैं कि अभी पिछले महीने ही तो तुम गए थे या 2 महीने पहले ही तो तुम गए थे, तो अब फिर क्यों जाना है? तो हमारे पास भी उनको बताने के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता कि हमें दोबारा क्यों जाना है, ऑनेस्टली नहीं होता, एटलीस्ट मेरे पास तो नहीं होता। मतलब मैं क्या बताऊँ उनको मुझे क्यों जाना है। या आपसे कोई पूछता भी है कि आपको ऐसा क्या मिलता है वहाँ पे, या आपको हर बार कुछ नया सिखाते हैं, आप अपग्रेड बंद होते हो, या कहीं कहीं कुछ कुछ संस्थाओं में ऐसे लेवल्स का कॉन्सेप्ट है कि आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे होता है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि अब आप कौन से लेवल पे हो। अब हम तो लेवल 0 पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। लेकिन आप, हम लोग जो निरंतर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी ऑब्जेक्ट के, बिना ये समझने का, अब मुझे लगता है, ऐसे लगता है कि अभी हम समझने का प्रयास भी नहीं करते कि हमारा लेवल क्या है, या अब मतलब हमें नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, या अब हम कौन से स्टेप पर हैं। आई डोंट थिंक कि अब क्या कहते हैं, हम में से कोई भी ऐसा है जो ट्राई करता हो जानने की हम कौन से स्टेप पर हैं। तो केवल कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए, केवल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जाती है, जिसमें एनर्जी वर्क मिनिमल हो जाता है या फिर 0 हो जाता है, केवल जो बिल्कुल नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, बट उसके अलावा हमारा उद्देश्य, हमारा ऑब्जेक्ट कतई भी एनर्जी वर्क करने का नहीं है, केवल चेतना को बढ़ाने का है, केवल अपनी सोल के एवोल्यूशन का है, बस यही ग्रे स्पिरिचुअलिटी है। बहुत ही सिंपल सी बात है, आप सब उसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो भी लोग ट्रांसेंडेंटल से इनफाइनाइट सोल तक पहुंचे हैं वो उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं ग्रे स्पिरिचुअलिटी के। यानी कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जो लोग मच्योर हो जाते हैं, जो लोग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि वो ग्रे स्पिरिचुअलिटी के एग्जाम्पल्स हैं। और इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हैं, मोहम्मद पैगंबर हैं, गौतम बुद्ध हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स वो हैं जिन्होंने एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, ना कोई शिकायत, ना कोई सवाल। और अगर लोअर चक्रा के लेसन्स एक्टिवेट होते हैं, जैसे कि हम लोग हीलिंग करते हैं या हम PLR करते हैं, तो कितनी बार हमारी पुरानी लाइफ्स एक्टिवेट हो जाती है। कभी कभी हमारे को पॉजिटिव लेसन्स मिलते हैं, कभी कभी कुछ ब्लेसिंग्स मिलती हैं, कभी कभी कुछ फॉर्चुनेट इंस्टेंसेस होते हैं हमारे साथ, किसी को प्रमोशन मिल जाता है, किसी को पैसे मिल जाते हैं, बट अक्सर नेगेटिव लेसन्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि नई ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई, हमें समझ नहीं आता कि कल तक जो आदमी हमारे साथ पॉजिटिव था वो सडनली नेगेटिव क्यों हो गया। तो जब नेगेटिव लेसन्स भी एक्टिवेट होते हैं तभी भी हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वैसे ही कंटिन्यू रखते हैं, बस उसी पेस पे चलते जाते हैं जैसे हम पॉजिटिव प्रैक्टिस में के साथ चल रहे थे या पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के साथ चल रहे थे। ना किसी से शिकायत, ना कोई पर्टिकुलर लक्ष्य, केवल एक ही लक्ष्य है कि हमको अल्टीमेटली फ्रीडम तक पहुंचना है, हमें अल्टीमेटली अपने लिए फ्रीडम चाहिए, बस केवल एक ही लक्ष्य है।
और उसके रास्ते में जो भी आता है, चाहे वो पॉजिटिव आता है चाहे वो नेगेटिव आता है, उस सब को हमें बस पार करते जाना है, उसको एक एक्सपीरियंस ट्रीट करते हुए आगे बढ़ते जाना है। बस यही ग्रे स्पिरिचुअलिटी है। इसीलिए ये ग्रे है क्योंकि इसमें रंग नहीं है, इसमें 24/7 आपका कनेक्शन उस डिवाइन के साथ जुड़ जाता है। 24/7 आप जागरूकता की स्थिति में, बढ़ी हुई और चेतना की स्थिति में रहते हैं, आप एनालाइज नहीं करते हैं लेकिन अवेयरनेस में रहते हैं। और आप सब लोग क्योंकि अब बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसका अंतर समझ सकते हैं, क्योंकि एनालिसिस माइंड लेवल पे होता है और अवेयरनेस सोल लेवल पे होता है। तो अवेयर रहते हैं हम, केवल विटनेस करते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेट में रहते हैं। और धीरे धीरे करके जब हम बहुत सालों तक ये प्रैक्टिस करते हैं, और हम में से कुछ लोग काफ़ी लाइफ टाइम से हमारी ये प्रैक्टिस चल रही है क्योंकि अब पार्ट्स पार्ट्स में हम करते आए हैं, तो अल्टीमेटली शायद एक टाइम वो भी आएगा जब हम सब लोग भी एक सोर्स ऑफ लाइट बन जाएंगे। तो जो लोग ग्रे स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते रहते हैं, आफ्टर अ सर्टन पॉइंट इन टाइम वो एक अपने आप में एक स्रोत बन जाते हैं, एक सोर्स बन जाते हैं। जैसे सर ने मुझे एक्सप्लेन करते हुए एक उदाहरण दिया कि बच्चों को एक सोर्स चाहिए होता है, वो होता है भगवान ने दिया है पेरेंट्स की तरफ तौर पे, बच्चों को सरवाइव करने के लिए, बच्चों को इस दुनिया में उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उन्हें सब चीज़ प्रोवाइड करने के लिए एक सोर्स चाहिए। और फिर अल्टीमेटली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए एक सोर्स बन जाते हैं। उसी तरह से जो लोग ग्रे स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इवेंचुअली अपने आप में एक सोर्स बन जाएंगे। और जिस तरह से हम लोग आज साईं बाबा को इन्वोक करते हैं अपनी हीलिंग करने के लिए, उसी तरह से किसी ना किसी दिन लोग आपको, हमको इन्वोक करेंगे, एज अ सोर्स इन्वोक करेंगे, जिससे कि उनको कनेक्शन मिले, उनको हॉटस्पॉट मिले, और फिर वो भी कलर्ड स्पिरिचुअलिटी से ग्रे स्पिरिचुअलिटी तक की यात्रा कर पाए। बस यही बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आज के ध्यान में, आज के मेडिटेशन में हम यही संकल्प करेंगे, यही इंटेंशन डालेंगे कि हम ग्रे स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस, टारगेट्स सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, और केवल एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही लक्ष्य है, और वो है कंप्लीट फ्रीडम, और जिसको कि हम मोक्ष बोलते हैं, निर्वाणा बोलते हैं, एनलाइटनमेंट बोलते हैं, जिसमें कि हम खुद एक सोर्स बन गए हैं अपने साथियों के लिए, लोगों के लिए, और केवल लव और लाइट स्प्रेड कर रहे हैं, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट है, यही पर्पस है हमारी सोल का, यही हमारी अल्टीमेट डेस्टिनी है। सो आई थिंक अगर आप सब लोग रेडी हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। लेट अस नाउ स्टार्ट विद द मेन मेडिटेशन। ओके, सो कोई भी कंफर्टेबल पॉस्चर ले लीजिए, एक आरामदायक मुद्रा ले लीजिए। आप में से सब लोग जानते होंगे कि शिरडी रिट्रीट अनाउंस हो चुकी है। तो 13 तारीख से शिरडी रिट्रीट है, 13th of October टू 17th of October। तो जिन्होंने भी अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए। हमेशा की तरह गहराई में पढ़ते हुए अपनी चेतना को, अपनी जागरूकता को इनवर्ड फोकस करते हुए, अपने अंदर की तरफ फोकस करते हुए, सांसों को गहरा होने दीजिए, शांत होने दीजिए।
अपने शरीर को और भी ज्यादा रिलैक्स हो जाने दीजिए। अगर कोई अकड़न है, जकड़न है, वो उसे सुलझा सकते हैं। अगर पोस्चर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। गहराई में जाते हुए ध्यान को एकाग्र होते हुए मन शून्य होते हुए विचार रिलैक्स होते हुए शरीर गहरी होती हुई सांसों और विस्तृत होती हुई करुणा की ओर लेकर जाइए। अपने अनाहत चक्र पर, हार्ट सेंटर पर ध्यान को केंद्रित करते हुए, फोकस करते हुए अपने दिल की गहराई से उन सोर्सेस का आवाहन कीजिए उन प्रकाश के स्रोतों का आवाहन कीजिए जिनको हम अपने गुरु, भगवान, ईश्वर, इष्ट के रूप में पहचानते हैं। गुरु से आती हुई, भगवान से आती हुई, ईश्वर से आती हुई इस ऊर्जा को, इस दिव्य सफेद प्रकाश को अपने सहस्रार चक्र के थ्रू अपने शरीर में प्रवेश करता हुआ महसूस कीजिए। क्राउन चक्र से नीचे की ओर आता हुआ सारे चक्रों को भेदता हुआ, पार करता हुआ ये दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा आपकी स्पाइन से, स्पाइनल कॉलम से ट्रैवल करते हुए, गुजरते हुए, यात्रा करते हुए आपके मूलाधार चक्र तक जा पहुंची। ब्रह्मांड से आती हुई, गुरुओं से, ईश्वर से आती हुई, परमात्मा से आती हुई दिव्य ऊर्जा को, सफेद प्रकाश को अपने भीतर और प्रबल होता हुआ, पोटेंट होता हुआ और मूलाधार चक्र में भरता हुआ महसूस कर सकते हैं। आपकी हर एक सांस के साथ
वाइट लाइट के साथ आपका कनेक्शन और भी स्ट्रांग होता जा रहा है हर एक सांस के साथ, स्ट्रांग होता हुआ वाइट लाइट कनेक्शन। अपने मूलाधार चक्र में अपने ध्यान को, अपनी अटेंशन को केंद्रित करिए और ऑब्जर्व करिए, विटनेस करिए, देखिए कैसे ये दिव्य प्रकाश अब आपके मूलाधार चक्र में मर्ज हो रहा है। आपका लाल रंग का मूलाधार चक्र पूरी तरह से सफेद दिव्य प्रकाश में डूबता जा रहा है। पूरी तरह से लाइट में कन्वर्ट होता हुआ अपने मूलाधार चक्र में इस दिव्य सफेद ऊर्जा के प्रवाह को, फ्लो को बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। इस जन्म के लिए सदैव के लिए आज आपका मूलाधार चक्र पूरी तरह से दिव्य लाइट के साथ अट्यून हो गया है। ट्वेंटी फोर बाय सेवन अब आपका मूलाधार चक्र दिव्य ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता रहेगा। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, यात्रा में अगर कोई भी लेसन एक्टिवेट होते हैं, चाहे वो कोई अच्छा लेसन हो, बुरा लेसन हो, पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो या नकारात्मक एक्सपीरियंस हो, हमेशा ही आपका मूलाधार चक्र दिव्य ऊर्जा के साथ ऑटोमेटिकली हील होता रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। और दिव्य प्रकाश चारों ओर एमिट करता रहेगा, बिखेरता रहेगा। धीरे से देखिए कि कैसे आपका ध्यान अब ऑरेंज कलर के, संतरी रंग के स्वाधिष्ठान चक्र या सेक्रल चक्र पर आ गया। स्वाधिष्ठान चक्र भी यूनिवर्स से, परमात्मा से आती हुई दिव्य प्रकाश में डूबता जा रहा है। पूरी तरह से इस डिवाइन लाइट में डिसॉल्व होता हुआ
दिव्य प्रकाश को अपने स्वाधिष्ठान चक्र में, सेक्रल चक्र में विस्तृत होता हुआ, बढ़ता हुआ, प्रबल होता हुआ महसूस कर सकते हैं। कभी भी अगर आपका कोई भी ऐसा प्रेजेंट लाइफ लेसन एक्टिवेट होता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, चाहे सकारात्मक चाहे नकारात्मक, सारे सबक सीखने के लिए ये दिव्य प्रकाश हमेशा आपके साथ है। आपका सेक्रल चक्र अब हमेशा ही वाइट लाइट एब्जॉर्ब करता रहेगा, रिसीव करता रहेगा, और एमिट करता रहेगा। चाहे जो भी लेसन आए, जो भी लेसन सरफेस हो, आप केवल वाइट लाइट के साथ कनेक्टेड हैं और आपका सेक्रल चक्र इस वाइट लाइट को अब्सॉर्ब करते हुए एमिट करता जा रहा है, हमेशा बैलेंस्ड, हमेशा डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली कनेक्टेड। धीरे धीरे अपने ध्यान को अब अपने सोलर प्लेक्सस चक्र, पीले रंग के येलो कलर के मणिपुर चक्र पर लेकर आइए। और आज इस पीले रंग को भी इस प्रबल सफेद दिव्य प्रकाश में डूब जाने दीजिए। भर जाने दीजिए, शायद फिजिकल लेवल पर भी इस दिव्य ऊर्जा को आप अपने शरीर में बढ़ता हुआ महसूस कर पा रहे हैं। सोलर प्लेक्सस के आसपास, आपके स्टमक के आर रीजन में ये दिव्य सफेद प्रकाश बढ़ता ही जा रहा है। पूरी तरह से आपके सोलर प्लेक्सस को बैलेंस करता हुआ, हील करता हुआ, अलाइन करता हुआ। चौबीसों घंटे सातों दिन, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आप हमेशा ही इस दिव्य प्रकाश को, इस सफेद ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एमिट भी कर रहे हैं, फैला भी रहे हैं। धीरे से अपने ध्यान को आप अपने अनाहत चक्र या हार्ट सेंटर पर लेकर जाइए। और अब अपने अनाहत चक्र को भी इस दिव्य ऊर्जा से भरता हुआ, उसमें घुलता हुआ
एक्सपैंड होता हुआ महसूस कर सकते हैं, अपने अनाहत चक्र को इस सफेद ऊर्जा के साथ अपनी पूरी कैपेसिटी पे एक्सपैंड होता हुआ महसूस कर सकते हैं। महसूस कीजिए, देखिए, विजुलाइज कीजिए, फील कीजिए कैसे आपका अनाहत चक्र और भी ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है, विस्तृत हो रहा है। उसमें अपने अनाहत चक्र में रोशनी का, दिव्य प्रकाश का संचार बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। मानो आपके भीतर से, आपके हृदय से, आपके दिल से बस रोशनी ही एमिट हो रही हो, स्प्रेड हो रही हो। इसको फील कीजिए, महसूस कीजिए। सदैव के लिए, इस जन्म के लिए और जो भी आने वाले जन्म बचे हैं उन सब के लिए आज आपका हृदय चक्र परमानेंटली इस वाइट लाइट के साथ अट्यून हो रहा है। 24/7 अब आप इस दिव्य प्रकाश को एमिट करते रहेंगे। रिसीव करता हुआ, एब्जॉर्ब करता हुआ और एमिट करता हुआ अनाहत चक्र पूरी तरह से खुलता जा रहा है और भी ज्यादा खुलता जा रहा है। आपकी सोच की सीमा से कहीं ज्यादा विस्तृत होता हुआ आपके भीतर का ये प्रेम, ये करुणा, ये प्रकाश अब हमेशा ही दूसरों को प्रकाशित करता रहेगा, दूसरों को रोशनी देता रहेगा। यही आपकी आत्मा का लक्ष्य है। ये शरीर आपको केवल माध्यम स्वरूप मिला है, ओनली एज अ व्हीकल, एज अ मीडियम टू ट्रांसमिट द डिवाइन वाइट लाइट ऑफ द अल्टीमेट सोर्स। अपने आप को, अपनी आत्मा को पहचानिए। अपने असली स्वरूप से आज अपने आप को मिल जाने दीजिए, मर्ज हो जाने दीजिए। इस धरती पर जन्म लेने का आपका परम उद्देश्य इस प्रकाश को फैलाना है। धीरे धीरे अपने ध्यान को अब अपने विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र पर लेकर आइए। ब्लू कलर के, नीले रंग के इस चक्र को बढ़ते हुए दिव्य प्रकाश में डूबता हुआ महसूस कर सकते हैं।
अपने थ्रोट में, भरते हुए इस दिव्य प्रकाश को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द इस दिव्य प्रकाश को फैलाने का काम कर रहा है, परमात्मा के संदेश को, उस अल्टीमेट ट्रुथ को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। हमेशा के लिए अब आपका विशुद्धि चक्र व्हाइट लाइट के साथ अट्यून हो चुका है और 24/7 ऑटोमेटिकली सोते हुए जागते हुए दिव्य प्रकाश को रिसीव, एब्जॉर्ब और एमिट करता रहेगा। धीरे से अपने ध्यान को अब अपने आग्नेय चक्र पर या थर्ड आई चक्र पर लाइए। थर्ड आई चक्र को भी इस डिवाइन वाइट लाइट में मर्ज होता हुआ महसूस कर सकते हैं। सारे विचारों को समाप्त होता हुआ, शून्य होता हुआ, अपने फोरहेड को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को दिव्य प्रकाश में डूबता हुआ महसूस कर सकते हैं। एक यूनिक अलग टाइप की शांति, स्थिरता, नो माइंड स्टेट को आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। हर एक ब्रेथ के साथ इस दिव्य ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर के आग्नेय चक्र में बढ़ता जा रहा है। हमेशा हमेशा के लिए आपका आग्नेय चक्र अब डिवाइन वाइट लाइट के साथ अट्यून हो चुका है और केवल वाइट लाइट रिसीव, एब्जॉर्ब और एमिट करता रहेगा। आपका आग्नेय चक्र अब एक सफेद दिव्य ऊर्जा का स्रोत बन चुका है, सोर्स बन चुका है और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने सहस्रार चक्र या क्राउन चक्र पर लेकर आइए। सहस्रार चक्र में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह और भी विस्तृत होता हुआ, सहस्रार चक्र भी डिवाइन दिव्य ऊर्जा के साथ वाइट लाइट के साथ हमेशा हमेशा के लिए अट्यून होता हुआ ट्वेंटी 24/7 अब बस आपका क्रम चक्र इस लाइट को रिसीव करके, अब्सॉर्ब करके नीचे के सारे चक्रों में स्प्रेड करता रहेगा। इस ऊर्जा को एमिट करता रहेगा अपने सर के ऊपर, अपने स्कैल्प के ऊपर,
महसूस कीजिए कि कैसे कमल के फूल जैसा, लोटस जैसा एहसास, जैसे कमल के फूल की पंखड़ियाँ खुलती हैं, लोटस के पेटल्स खुलते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपका क्राउन चक्र पूरी तरह से खुल चुका है। बस केवल दिव्य ऊर्जा बिना किसी रुकावट के निरंकुश आपके सहस्रार चक्र से, क्राउन चक्र से प्रवेश करती जा रही है, सारे चक्रों को भेदती हुई। आपका अब इस दिव्य प्रकाश से, दिव्य ऊर्जा से परमानेंट कनेक्शन बन चुका है। ऑटोमेटिकली अपने आप ही इस दिव्य ऊर्जा का प्रवाह आपके चक्रों में, आपके शरीर में निरंतर बहता रहेगा, बढ़ता रहेगा। एक्सपीरियंस कीजिए, महसूस कीजिए कि जैसे बस आपका पूरा शरीर, आपका पूरा ऑरा सिर्फ और सिर्फ एक दिव्य ऊर्जा की बॉल बन चुका है, वाइट लाइट की बॉल। अब आप केवल प्रकाश हैं। ट्वेंटी फोर बाई सेवन ऑटोमेटिकली आप डिवाइन लाइट को रिसीव कर रहे हैं, अब्सॉर्ब कर रहे हैं और एमिट कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, बिखेर रहे हैं, बांट रहे हैं। पूरी तरह से डिवाइन वाइट लाइट के साथ आपका अट्यूनमेंट कंप्लीट हो चुका है। आपको इनलाइटनमेंट प्राप्त हो चुका है। लाइट वर्कर से अब आप एक सोर्स ऑफ लाइट बन चुके हैं। स्वयं में आप प्रकाश का, ऊर्जा का एक स्रोत बन चुके हैं। और ये ऊर्जा, ये प्रेम अनकंडीशनली आप दूसरों में बांटते जा रहे हैं, बिखेरते जा रहे हैं। और ऐसे ही आप अपनी सोल की अल्टीमेट डेस्टिनी तक पहुंच चुके हैं। शरीर से, जन्म मृत्यु के साइकिल से आप मुक्त हो चुके हैं। आप केवल प्रकाश। मोक्ष, निर्वाण, अल्टीमेट फ्रीडम आपको प्राप्त हो चुका है। अपनी साधना की वजह से,
अपनी ग्रे स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस की वजह से ही आज आप इस मुकाम तक पहुंच पाए। इस यात्रा के लिए, इस जर्नी के लिए उन सभी सोल्स का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचने में मदद की। उन सभी सोर्सेज का, स्रोतों का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने अलग अलग जन्मों में, अलग अलग भगवान के रूप में, गुरुओं के रूप में, दोस्तों के रूप में, दुश्मनों के रूप में, आपकी मदद की, आपकी सोल को इवॉल्व करा। सारे गुरुज मास्टर्स का धन्यवाद करते हुए, अपने साथ उपस्थित उन सभी आत्माओं का धन्यवाद कीजिए जिनकी कलेक्टिव इंटेंशन की वजह से हमको आज ये एक्सपीरियंस मिला। अपने उन गुरुओं का धन्यवाद कीजिए जो अदृश्य हैं, जिनका कोई नाम नहीं है पर आपकी मदद कर रहे हैं। हमारे मास्टर डॉक्टर उदय शाह का धन्यवाद कीजिए जिनकी गाइडेंस में हम यहां तक पहुंच पाए। धीरे धीरे ध्यान को वापस अपने अनाहत चक्र पर, हार्ट सेंटर पर लेकर आइए। इस डिवाइन वाइट लाइट को पूरी तरह से अपने अनाहत चक्र में अब्सॉर्ब हो जाने दीजिए। एक बार फिर अपने आप का धन्यवाद कीजिए, अपनी आत्मा का धन्यवाद कीजिए जिसने ये ग्रे स्पिरिचुअलिटी का मार्ग चुना। ग्रैटिट्यूड के भाव के साथ, कृतज्ञता के भाव के साथ धीरे से ध्यान को शरीर पर लेकर आइए। सांस ऊपर, शरीर में होती हुई गतिविधियों पर, कमरे में तापमान पर, आसपास की आवाजों पर पूरी तरह से अपने शरीर में वापस लौटते हुए
धीरे से अपने हाथों की पैरों की उंगलियों को चलाइए। जब भी आपको लगे कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। सो वेलकम बैक। आई होप आपने सबने आज के सेशन को एंजॉय किया। सो पूरी SKM टीम की तरफ से, डॉक्टर उदय शाह की तरफ से, मैं आप सबका ग्रैटिट्यूड करता हूँ, आपको थैंक्स बोलता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। तो फिर कल से फिर मिलेंगे और बहुत अमेजिंग सेशंस के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।